मक्का मक्का खाओ स्ट्रॉन्ग हो ये हो मक्का ओ पड़ गया ठीक से इतना स्ट्रॉन्ग है देखो अभी हॉस्पिटल में जाएंगे और देखेंगे वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हे गाइस आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग इस टॉपिक करेंगे हम सब फ्रेंड्स मिलकर वैक्सीन लेने जाने वाले हैं। जो हमारा रूम मालिक है उसकी ही गाड़ी है तो उस गाड़ी में हम जाने वाले हैं। वैक्सीन लेने के बाद तो कैसा रिएक्शन रहेगा हमारा हमको पता भी नहीं कि हमको वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन अभी जाके देखते हैं। सो लेट्स गो। और हम जहाँ जाने वाले हैं उस सिटी का नाम है मुरबाड़। अभी वो अभी कल्याण से मतलब 7 किलोमीटर का राउंड है तो चलो मुरबाड़ जाएगा डायरेक्टली। वैक्सीन तो लेने जा रहा हूँ लेकिन घबराहट सी तो बहुत ही हो रही है मुझे कि पहली बार मैं वैक्सीन ले रहा हूँ। इधर डालेगा डायरेक्टली इंजेक्शन सो बहुत ही घबराहट सी हो रही है। रहने दो वैक्सीन लेना अच्छी बात है। वैक्सीन लेने से पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी रही। तो चलो फिर अभी पोहा का नाश्ता कर लेते हैं और जाते हैं। तो नाश्ता करके हो गया हमारा तो अभी चलो वैक्सीन लेने के लिए। सो लेट्स गो। फाइनली कार मध्ये लोगों को मैं सीन दिखाता हूँ। गाड़ियाँ बहुत चल रही है और सबको बहुत मजा आ रहा है तो इसी बहाने वैक्सीन लेने भी जाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। सो लेट्स गो सीन एक्सप्लोर करो और एंजॉय करो। फाइनली हॉस्पिटल के पास आ गए तो अभी हॉस्पिटल में जाएंगे और देखेंगे वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ट्राई करते हैं ट्राई करने में क्या जाता है। सो फ्रेंड्स पहले रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है तो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर वैक्सीन ले गए। सो फाइनली रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा ओंकार राठौर। पाँच मिनट बाकी। अभी चारों जन का एक एक करके नंबर लगेगा सो वेट करो तुम सब लोग। मैंने
मेरा नंबर आ गया है अभी। पूरा कंप्लीट हुआ है वैक्सीन लेके, और साथ ही साथ ये हमको टैबलेट्स मिली है दो दो लेने के लिए, मतलब दो दो टैबलेट्स है, अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही वो इंजेक्शन बहुत ही चुभेगी, लेकिन कुछ ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो चलो अभी मैं वैक्सीनेट हो गया, कुछ टेंशन नहीं कोरोना की, तो अभी चलो सो लेट्स गो। सैनिटाइज कर रहे हैं, मोबाइल में भी डाल रहे हैं, हाथ में ही लेना चाहिए बस। खुश हुआ मैं, और भाई का बहुत ही धन्यवाद यार, यहाँ तक लाए हमको। तो चलो यार अभी बैठते हैं, राम राम मंडली। सो हे गाइस, चिन्नू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि चिन्नू ने आपको बताया होगा हम कहाँ आए थे, तो हमने अभी कोरोना वैक्सीन लिया, तो अब हम कोरोना योद्धा है, अभी हम कोरोना योद्धा है, अभी हम कुछ घबराने नहीं वाले है। सब हमारे फ्रेंड्स लोग और भी हैप्पी केयरफुल हो गए। घर पे जाते समय हमने क्या किया, यहाँ गाड़ी पार्क कर दिया, क्योंकि मेरे भाई है जो प्रीतम, बबलू, विशाल, मेरा भाई सब वहाँ सब्जी खरीद रहे हैं, और सब्जी लेने के बाद फिर हम जाएंगे। तो फाइनली सब सब्जी लेकर आ गए, तो अभी जाते हैं। और क्या ले रहे हैं भाई लोग? इतनी सारी सब्जियाँ ले लिया हमने खाने के लिए, सो नाइस। अब ककड़ी खाऊंगा मैं। ककड़ी किधर है ब्रो? ना प्याज भी है। तो फाइनली पूरा सब्जी लेकर कंप्लीट हुआ, और अब जाएंगे। अभी प्रशांत भाई का वेट कर रहे हैं। ये जो गांव है, ये गांव मुरबाड़ है, यहाँ सब्जी खरीद रहे थे हम सब लोग, और भाई लोग सब सब्जी लेकर आ गए थे। बैंगन, पोटैटो, क्या बोलते हैं, और बटाटा। वाह, आलू है, आलू और ये प्याज, ये क्या है ब्रो, कोथिंबीर, मिर्च है, ककड़ी है, खीरा ककड़ी बोलते उसको। अब ककड़ी मुझे दो, एक एक दो, एक ककड़ी दो। आप नहीं किया अभी, मत लो, क्लीन करके खाइए। नीम के पानी में, हाँ नीम के पानी में, नीम के पानी में धोकर हम ककड़ी खाएंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही खराब है, तो सब जो फ्रूट्स है वो धोकर खाना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद सिस्टम कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरा, मतलब पसीना आ रहा है, ठंडा ठंडा पसीना आ रहा है, क्या बताऊँ। सिस्टम हमारा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है अभी वैक्सीन लेने के बाद, सच्ची बताना तो। इन सबको कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ही नाश्ता कर चुका था, ये बहुत ही पेट भर भर के खा चुके थे, इसलिए समझ सकते हो आप लोग। कुछ नहीं, हम अभी घर पे जाके कुछ ना कुछ खाएंगे, और फिर आराम करेंगे। वैक्सीन लेने के बाद दो दिन आराम करें, और फिर अपने काम पर जाएं। ऐसी ऐसी बात है भाई, क्या बताओ आपको। इन परेशान भाई कब आएगी यार, बहुत वेट कर रहा हूँ। एक मंथ के लिए ले रहा होगा ऐसा तो लग रहा मुझे। तो चलो अब और थोड़ा बहुत ही वेट करते हैं, फिर जाएंगे। सो प्रशांत भाई ने एक महीने का राशन भर लिया है, देख सकते हो सब्जी, वाओ, देख सकते हो तुम लोग। मक्का, मक्का खाओ, स्ट्रांग हो जाओ। ये मक्का, ओ पड़ गया ठीक से, इतना स्ट्रांग है, देखो देखो कितना भर चुका है, थैली भी टूट चुकी है हमारी। कब से गए थे भाई, अभी क्या 30 मिनट हो चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, होता है टाइम। फ्रेंड्स अभी हमको 45 किलोमीटर जाने का है, यहाँ से मुरबाड़ से अम्बेली तक। तो अभी चलो, जय। तो चलो अभी सफर पूरा करते 45 किलोमीटर का, सो लेट्स गो। We'll be right back.
देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। सो है गाइस, फाइनली हमारा वैक्सीन लेने का सफर पूरा हुआ। तो अभी हम घर पे आ चुके और मेरा सर बहुत ही घूम रहा है, क्या बताओ आपको। तो अभी मैं खाना खाऊंगा और खाना खा के डायरेक्टली आराम करूंगा, सो जाऊंगा मतलब। और प्रशांत भाई का तो बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि प्रशांत भाई ने ही हमको वैक्सीन लेने के लिए सबको ले गया और कम्प्लीटली हम वैक्सीनेट हो गए, सो भाई की वजह से। और हम जहाँ भी जा रहे थे जॉब देखने के लिए मुंबई में, वो हमको कोई नहीं जॉब के लिए लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ वैक्सीन, वो बोलते कि पहले वैक्सीन लेके आओ और हमको सर्टिफिकेट दिखाओ वैक्सीन का, तो तभी तुम लोगों को हम जॉब देंगे। इसीलिए हमको ये वैक्सीन लेना पड़ा, लेकिन हम तो थोड़े दिन में लेने ही वाले थे, लेकिन अभी जस्ट लेना पड़ा, तो ऐसी बात है। तो चलो आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके जाना मेरे वीडियोस को, और मिलता हूँ तुम लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।